हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की डेट में यहाँ पर दो वीडियोज आई थी, जाके आप होप आपने देखी होंगी। उनमें से एक आज स्टॉक आई थी भागता हुआ भी दिखाई दिया था। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, तो देखिए डेली इस चैनल पे पर्टिकुलर वीडियोज डाली जाती है पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, तो उन वीडियोज को जाके देखा करें, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी। आज मार्केट देखिए गिरती हुई नजर आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, चाइना से कुछ रीजन थे एज वेल एज ग्लोबल मार्केट ठीक नहीं थी। ओके, बट अगर हम ओवरऑल सेंटिमेंटल देखें मार्केट का, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए लास्ट अगर हम देखें फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब हम देखते हैं, तो देखिए एफआईज ने भी अच्छी खासी बाइंग करी थी यहाँ पर 1552 करोड़ रुपए की, और डीआईज ने यहाँ पर सेलिंग करी थी। ओके, बट स्टिल अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर गिरती हुई नजर आई थी। तो क्या हमें सब कुछ एग्जिट करना चाहिए? आज के दिन भी मार्केट गिरती हुई नजर आई है, तो उसी चीज का जवाब देने के लिए उसके लिए तो एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक से रिलेटेड, जो कि अतरंगी स्टॉक नजर आता है, वो कभी भी भागता है कभी भी गिरता है, इस तरीके से चलता हुआ नजर आता है। और एक अच्छे खासे लेवल पे मुझे लग रहा है कि आपको वो दोबारा शेयर आता हुआ दिखाई देगा, और वहां पर से आप उसे बाइंग कर सकते हैं अगर वो उस लेवल पर आता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं स्टॉक से रिलेटेड। पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलते रहे। बाकी ये सारी वीडियोज को जाके देखिए, यहाँ पर प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए, सीखिए, सीख के यहाँ पर मार्केट में पैसा लगाइए, तो ना तो आपको जब मार्केट गिरेगी तब डर लगेगा, और जब मार्केट भागेगी तब ना आपके अंदर ग्रीड आएगा। तो आइए वीडियो की तरफ और जानते हैं उस शेयर से रिलेटेड। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम है, मैं आपको इसका नाम बता देता हूं, उसका नाम है आरती सर्फेक्टेंट। अतरंगी स्टॉक क्यों कहा है? क्योंकि कभी भी ये भागने लग जाता है, कभी भी गिरने लग जाता है ड्यूरिंग द मार्केट, या फिर बात करें ड्यूरिंग द डे और वीक, इस तरीके से ही चलता हुआ नजर आता है ये शेयर। और ये शेयर देखिए लास्ट टाइम भी अगर बात करें तो काफी लोगों ने यहाँ पर इसे क्रिटिसाइज किया था इस स्टॉक्स को। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, बट स्टिल हमने यहाँ पर आपको बाइंग के लिए कहा था, और ये स्टॉक एक ही दिन में 16-17% भागता हुआ दिखाई दिया था। तो इसी तरीके का स्टॉक है, इसलिए इसे अतरंगी स्टॉक कहते हैं, क्योंकि जब भागना शुरू करता है तो अच्छा खासा भागना शुरू कर देता है ये स्टॉक्स। तो अगर हम बात करें इस स्टॉक से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए आरती सर्फेक्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सर्फेक्टेंट स्पेशल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है? देखिए केमिकल्स की स्पेशलिटी, केमिकल्स की ये कंपनी है जिसे पर्सनल केयर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड ओवरसीज। आरती सर्फेक्टेंट हैज बीन रिजल्ट ऑफ द डीमर्ज ऑफ द होम एंड पर्सनल केयर ऑफ आरती इंडस्ट्री, मतलब आरती इंडस्ट्री से यहाँ पर ये डीमर्ज होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद देखा जाए तो इस शेयर ने एक बेहतरीन यहाँ पर ये रैली बनाती हुई दिखाई दी है। और इसके अलावा हम देखें तो देखिए जो ये प्रोडक्टिविटी विद द सेफ्टी इज आर मोटो, मींस यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हैं, तो ये कौन से सेगमेंट में? बेबी केयर से रिलेटेड, ओरल केयर से रिलेटेड, हेयर केयर, स्किन एंड पर्सनल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, होम केयर से रिलेटेड, ये तीन चार ये छह के सेक्टर में कंपनी सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और इसके क्लाइंट्स की बात करें तो इसके जो क्लाइंट्स है वो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है, जैसे कि इसके क्लाइंट्स HUL है, जो कि हमने आपको लास्ट टाइम यहाँ पर बताया भी था कि इसके जो क्लाइंट्स है बड़े बड़े यहाँ पर कस्टमर्स यहाँ पर नजर आते हैं। तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिएगा, देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि इनके जो क्लाइंट्स है वो तो अच्छे अच्छे है ही, एज वेल एज यहाँ पर इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस भी है मार्केट में, और ये इम्पोर्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर इनके इस शेयर से रिलेटेड यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ पैरामीटर की, तो देखिए इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो काफी बार हमने वीडियोज बनाई है, तो उसका लिंक भी आई बटन पर दे दूंगा, तो जाके आप एक बार देख लीजिएगा। तो मार्केट कैप की बात करें, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है, स्मॉल कैप कंपनी भागती हुई भी तेज नजर आती है उसके हिसाब से, और गिरती हुई भी तेज नजर आती है, तो इसलिए वो चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पीई रेशियो की बात करें, यहाँ पर आपको बात करें पीई रेशियो 52% का पीई है, आरओसी की बात करें 13% का आरओसी है, डेट की बात करें 87% का यहाँ पर डेट भी है, डेट भी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 10 की है, हाई की बात करें तो देखिए कंपनी 1887 रुपए का यहाँ पर हाई लगा के आई है, और आज की डेट में 1465 रुपए के आसपास का ये शेयर यहाँ पर नजर आ रहा है। लास्ट टाइम भी जब आपको ये शेयर बताया था 1300 के आसपास, उस टाइम ही 1887 रुपए का ये हिट करके आया था, फिर ये गिरता हुआ नजर आया, फिर उसके बाद ये 1600 कुछ तक गया, फिर यहाँ पर ये मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है, उसके रिलेटेड ही यहाँ पर ये वीडियो बनाया। और जब से ये शेयर आया है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हायर लो हायर हाई बनाते हुआ ये शेयर ऊपर की तरफ ही निकलता हुआ आया है, और एक बेहतरीन सपोर्ट पर आया है, जो कि हम अभी इसके टेक्निकल्स देखेंगे तो हम इसके रिलेटेड बातें करेंगे। रिजल्ट की बात करते हैं तो कंपनी के अगर आप रिजल्ट देखेंगे, देखिए
अगर हम बात करें पिछले 6 क्वार्टर की, तो कंपनी के जो रिजल्ट है अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स इस बार की भी हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर अच्छा खासा कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी ग्रो करती हुई नजर आई है। एक्सपेंस कुछ ज्यादा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी आई है, बट स्टिल कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में है, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंस और ईयरली बेसिस पर बात करें तो कंपनी के ईयरली बेसिस पर देखिए 326 करोड़ से 466 करोड़, 2 करोड़ का प्रॉफिट 22 करोड़ में, और यहाँ पर पिछले 12 महीने में 494 करोड़ का यहाँ पर सेल्स और 22 करोड़ का प्रॉफिट भी होता हुआ नजर आया है। रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 125 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। बोरिंग की बात करें तो बोरिंग यहाँ पर थोड़ी सी इस क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। छोटी सी कंपनी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर बोरिंग लेके ही यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है, बट इतना पैसा है इनके पास कि ये चुका सकते हैं इसकी बोरिंग को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, बट कैश की बात करें तो कंपनी का 7 करोड़ रुपए का कैश भी है, और जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है। और यहाँ पर आरओसी की बात करें 13% का, और धीरे धीरे जिस तरीके का इसका सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, जिस तरीके के इसके क्लाइंट है बड़े बड़े, तो ये कंपनी आगे चल के यहाँ पर और अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। प्रमोटर्स की बात करें तो देखिए प्रमोटर्स ने थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर कम करी है इस क्वार्टर में 1.something% की। FIIs की बात करें लगभग सेम ही है। DIIs की बात करें यहाँ पर, और बात करें पब्लिक की, तो 50% की होल्डिंग दिखा रहा है, बट 50 में भी देखें तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर शामिल है, तो इस चीज को आपको एक बार देख लीजिएगा और एक बार इस कंपनी के बारे में यहाँ पर डेफिनेटली पढ़िएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इस कंपनी कंपनी से रिलेटेड, आरती सर्फेक्टेंट के रिलेटेड, और ये कंपनी यहाँ पर क्या करती हुई नजर आ रही है उस चीज से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये कंपनी बार बार एक, अगर हम नीचे के लेवल पर देखें तो नीचे के लेवल पर ये इसके सपोर्ट, पहली बात इस सपोर्ट को ध्यान में रखिएगा, ये जो एक सपोर्ट है। इसके अलावा एक पाइवेट पॉइंट और की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका एक पाइवेट पॉइंट यहाँ पर भी नजर आता है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बेहतरीन सपोर्ट इसका नजर आता है क्योंकि बार बार यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया है। तो ये एक सपोर्ट है, जब भी ये शेयर आपको 1400 रुपए के आसपास नजर आए तो याद रखिएगा इसमें एक अच्छी खासी आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, अच्छे खासे लेवल पर यहाँ पर एक कंपनी को बाई करके यहाँ पर आप रख सकते हैं। और इसमें अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कौन सा चार्ट पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर कप बन रहा है, कप बनने के बाद यहाँ पर देखिए गिरावट और यहाँ पर देखिए हैंडल। इस स्टॉक्स को मैंने बार बार आपको रिकमेंड किया है, इस स्टॉक्स को यहाँ पर जब ये स्टॉक चल रहा था तब रिकमेंड किया था, तब 1800 गया था, यहाँ पर आपको रिकमेंड किया था तो यहाँ पर देखिए 1700 गया था। अगेन यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब भी 1400 रुपए के आसपास आए तो इस शेयर को यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइएगा, क्योंकि मार्केट गिर रही है तो कभी भी यहाँ पर आके कभी भी टच करके ओके ऊपर की तरफ निकाल के ले जा सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके टारगेट की, तो इसके टारगेट काफी बेहतरीन यहाँ पर टारगेट नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर इस कप विद हैंडल पैटर्न के थ्रू जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो कितने नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टारगेट है ये है 2100 रुपए के आसपास के, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इसके अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें कितने परसेंट के टारगेट होते हुए नजर आते हैं, जो इसके अभी से अगर हम देखें मार्केट में शायद जिस तरीके से गिरावट हो रही है थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है, तो शायद थोड़ा सा और नीचे आए तो आपको और एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर हम टारगेट देखें तो लगभग 46% के यहाँ पर टारगेट नजर आ रहे हैं, जो कि मुझे क्या लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर अचीव हो जाने चाहिए, और 6 महीने में भी नहीं होते, 1 साल में भी होते हैं, तो 1 साल में 46% के रिटर्न एक बेहतरीन रिटर्न्स माने जाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न ये हो गया। अब एक दूसरे चार्ट पैटर्न देखिए, हमने कुछ दिन पहले एक टेक्निकल्स आपको बताए थे, ओके आपको बताया था कि किस तरीके से आप यहाँ पर टेक्निकल से रिलेटेड यहाँ पर आप चीजें समझ सकते हैं और यहाँ पर समझ के काम कर सकते हैं। तो देखिए RSI 49% ऑलरेडी स्टॉक्स यहाँ पर हायर लो बनाता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बताया था तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने हमने एक बार सीखा था ना कि ट्रिपल बॉटम क्या होता है इस तरीके से ये शेयर, तो उस तरीके से जब ट्रिपल बॉटम बनाता है, जैसे कि यहाँ पर बनाया ऊपर गया फिर यहाँ पर बनाया ओके फिर ऊपर गया ओके, जो कि ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये तीसरा बॉटम बनाने के बाद ये शेयर ओके यहाँ पर से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आप खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा। बट ब्रेकआउट का वेट क्यों करना है,
क्योंकि यहाँ पर से लेके यहाँ तक के टारगेट कितने होते हैं, लगभग लगभग 20% के होते हैं, तो 20% को भी क्यों गवाना है, थोड़ा सा वेट करके स्विंग ट्रेडिंग करके। ओके यहाँ पर तो आपको एक बार स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा, ट्रिपल बॉटम, एक बॉटम, दो बॉटम, यहाँ पर तीसरा बॉटम बना के, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉटम बना के जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा और शेयर आपको बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। बट आपको जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके ही करना है, किसी के भी कहने पर, मेरे कहने पर या दूसरों के कहने पर यहाँ पर शेयर को कभी भी परचेज नहीं करते। शेयर अच्छा है इसलिए मैं यहाँ पर आपको इसके रिलेटेड बता रहा हूँ, इसके चार्ट पैटर्न जिस तरीके से बनने जा रहा है उससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। और आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस तरीके के जब ये भी शेयर निकले है तो अच्छा खासा रिटर्न दिया, जैसे कि एक्चुअल यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दिया था, रिलायंस निकलता हुआ दिखाई दिया था, ब्रिटानिया निकलता हुआ दिखाई दिया था, वो वीडियोज भी बनाई है तो उसका आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो वो भी जाके एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियोज आने वाली है अच्छी खासी, जिनमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जा रही है, और उसको वीडियो को देखने के लिए स्टे ट्यून रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और ऑल बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऑल पे, और यहाँ पर दूसरी वीडियोज को जाके देखिए और उन्हें भी लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।